जिला के सिंघिया प्रखंड अंतर्गत 14 पंचायतों के 211 मतदान केंद्रों पर 8 दिसंबर को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मतदान हुआ था। जिला के मोरदीबा स्थित महिला आईटीआई कॉलेज में 10 दिसंबर को मत पत्रों की गिनती उपरांत जीते हुए प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र दिया गया था। शेष बचे प्रत्याशियों को सिंघिया प्रखंड विकास पदाधिकारी से प्रखंड निर्वाचित पदाधिकारी पंकज कुमार शक्तिधर एवं जीपीएस पवन कुमार सिंह के संयुक्त नेतृत्व में पंचायत समिति भवन में ग्राम पंचायत राज फुलहारा से मुखिया पद के विजेता मनोज झा की पत्नी रिंकी देवी, लिलहोल पंचायत से राम प्रवेश साहू, माहे पंचायत से दिलीप कुमार सिंह की पत्नी पुष्पा देवी, वारी पंचायत से जगन्नाथ पोदार, नीरपुर भरविया पंचायत से मनोज पासवान की पत्नी मिंटू देवी, सालेहापुर पंचायत से अशोक पासवान, जहांगीरपुर पंचायत से ढल्लू मांझी की पत्नी रीता देवी, विष्णुपुर डीहा पंचायत से रामललित राम, बंगरहाट्टा पंचायत से लक्की कमती की पत्नी रिंकी देवी, हरदिया पंचायत से मोहम्मद खालिद गुलाब की पत्नी रफत परवीन, मेहरा पंचायत से विक्रम कुमार यादव की पत्नी पूजा कुमारी, विष्णुपुर केवटहर पंचायत से राम स्वार्थ यादव, कुंडल फर्स्ट से चंद्रमणि सिंह, कुंडल सेकंड से मनोज कुमारी की पत्नी नूतन देवी के साथ 20 पंचायत समिति सदस्यों, 14 ग्राम कचहरी के सरपंचों के साथ से करो वोट सदस्यों और ग्राम कचहरी के पंच सदस्यों को प्रमाण पत्र वितरण किया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप बने रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।